दोस्तों 2023 में पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब तक कम से कम 10 बार बढ़ा दिया गया है इसके डेट को ये डेट बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है क्या आप जानते हैं इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कि डेट बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है बार बार एग्ज़ाम का डेट भी पोस्टपोन हो रहा है चलिए आपको बताते हैं दोस्तों दो हज़ार में पॉलिटेक्निक में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रदेश की राजकीय अनुदानित या फिर प्राइवेट किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रकार से इंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना अनिवार्य है जय हिंद दोस्तों ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज से करीब एक साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था पॉलिटेक्निक में होगा अब सीधे प्रवेश लेकिन अभी तक आप सभी अच्छे से जानते थे आप सभी ये सोचते थे कि पॉलिटेक्निक में अगर आप पॉलिटेक्निक में प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको किसी भी कोई भी प्रकार के इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है आप डायरेक्टली जाकर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 2023 में जो भी छात्र पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक करने के लिए उन्होंने इंटेस एग्ज़ाम का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है उन छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये है जो छात्र ये सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक इंटेस का एग्जाम का डेट बार बार बढ़ रहा है अब हम पॉलिटेक्निक जो है वो प्राइवेट से ही कर लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी लेट हो रहा है तो उन छात्र छात्राओं को बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं प्रदेश की राजगी यानी गवर्नमेंट अनुदानित यानी जो एडेड कॉलेज होते हैं इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज निजी क्षेत्र के यानी जो प्राइवेट कॉलेज हैं सभी संस्थानों के लिए इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या फिर फॉर्मेसी करने की सोच रहे हैं या फिर अन्य कोई भी पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश आवंटन यानी आपको जो प्रवेश मिलेगा केवल और केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग के माध्यम से योग्यता के अनुसार ही संभव हो पाएगा यानी अगर आप 2023 में पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना परम आवश्यक है अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर करके एग्जाम को क्रैक नहीं करते क्रैक यानी एग्ज़ाम को आपको पास करना अनिवार्य है अगर आप केवल पास भी कर लेते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले पाएंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो लेकिन अगर प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध मान्य नहीं होगा यानी अगर आप प्रवेश परीक्षा नहीं देते हैं तो आप किसी भी हाल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और आपका पूरा एक साल बर्बाद चला जाएगा